चेक इट आउट। हलचल है मची हुई, फैली है ये बात, लगने लगा है तमाशा शहर शहर आज। बाजों के साज पे, बजती हर थाप पे, तू भी जश्न मनाओ उठा हवा में हाथ। वो पाकिस्तानी है, कोई इंडिया की नहीं है। बहुत अच्छा गाना गाया जी उसने। लोगों का तो काम है तनकीद करना। मुसीबा लाल एक अच्छी सिंगर है, अच्छी आवाज है, इससे ज्यादा बेहतर करके दिखाएंगी वो, और मजीद अच्छे अच्छे गाने भी गाएंगी। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट फराह इकबाल लाहौर 42 टीवी से। आज हम मौजूद हैं यहाँ पैनोरामा मॉल में, यहाँ पे हम करेंगे आवाम से बातें। PSL 6 सॉन्ग जो रिलीज़ हुआ है, जिसे गाया है आयमा बेग ने और नसीबो लाल ने, बहुत से लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं, बहुत से लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। जहाँ पर फिल्म स्टार महविश हयात इसे अप्रिशिएट कर रही है कि हमें न्यू टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए, न्यू गुलकारों को यह प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करना चाहिए, वहीं पर दूसरी तरफ शुएब अख्तर क्रिकेट जो तनकीद कर रहे हैं कि ग्रूव मेरा व्हाट इज़ दिस, क्या है ये गाना, क्या ये आउट ऑफ कॉन्टेंट है, क्रिकेट से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं और जानते हैं अपनी आवाम की राय कि वो इस पर तनकीद कर रही है या अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे बताएं कि नसीबो लाल ने PSL की तरफ से जो सॉन्ग आया है, आप इसका अप्रिशिएट कर रहे हैं या तनकीद कर रहे हैं? नहीं देखिए, मैं अप्रिशिएट जरूर करूंगा। वो पाकिस्तानी है, कोई इंडिया की नहीं है। वो इस मुल्क पे, पाकिस्तान मुल्क की वो एक गुलूकार है, उसको हक है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का दुआ। क्या नाम है आपका? मैं आदिल। आदिल, आप मुझे बताइए, नसीबो लाल ने PSL की तरफ से जो गाना गाया, उसमें कुछ लोगों ने तनकीद की, इवन महविश हयात ने अप्रिशिएट किया है, और शुएब अख्तर ने इस पर तनकीद की, आपके किस नज़र से देखते हैं? बहुत अच्छा गाना गाया जी उसने। लोगों का तो काम ही है तनकीद करना, और इनको आता क्या है। क्रिकेटर ने तनकीद की है शुएब अख्तर ने, वो छोड़ देने, लेकिन उसने बहुत अच्छा गाना गाया बस। क्या नाम है आपका? आसिम शाह। आसिम शाह जी, आसिम, PSL का 6 सॉन्ग जो गाया नसीबो लाल ने, इस पे कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप किस नज़र से देख रहे हैं? वो इसलिए तनकीद कर रहे हैं, वो रिलेट नहीं है उस चीज़ के साथ ना, अगर रिलेट होता है तो फिर कोई तनकीद नहीं करता होता। इससे रिलेटेड नहीं है वो, मैच के साथ, क्रिकेट के साथ, क्रिकेट के साथ नहीं है बिल्कुल। अगर होता तो इस चीज़ पे तनकीद ना करते। शुएब अख्तर एक सनी आ रहे हैं और बहुत पुराने क्रिकेटर हैं। क्या नाम है आपका? अहमद अली। अहमद, PSL 6 सॉन्ग नसीबो लाल ने गाया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप किस नज़र से देख रहे हैं? ये अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा गाना गाया, लेकिन वो तनकीद इस वजह से कर रहे हैं कि वो गाना कह रहे हैं कि साइड सॉन्ग है, पर वो साइड सॉन्ग ने उन्होंने इसमें बहुत तर्ज अच्छे किए हैं। नसीबो लाल एक अच्छी सिंगर है, अच्छी आवाज़ है, और शुएब अख्तर ने जो क्रिकेटर है उन्होंने तनकीद की है कि नसीबो लाल को नहीं गाना चाहिए था। नहीं देखे, वो शायद उन्हें एक लोकल सिंगर की नज़र से देख रहे होंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, अली आप मुझे ये बताएं कि नसीबो लाल ने PSL 6 सॉन्ग जो गाया है, उस पर आप तनकीद करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं? ठीक है, जो उसने गाया है बेहतर गाया है, अपने मुल्क में सिंगर है वो माशाल्लाह। शुएब अख्तर क्रिकेटर जो है वो तनकीद कर रहे हैं, और हमारे जो फिल्म स्टार महविश हयात है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि न्यू टैलेंट को भी आगे लेके आना चाहिए। देखो, शौक आप अपना होता है, अब वो अपने काम का माहिर है, नसीबो लाल अपने काम के माहिर। क्या नाम है आपका? नाम है फुरम। आप मुझे ये बताएंगे PSL 6 सॉन्ग जो नसीबो लाल ने गाया, आप इसे किस नज़र से देखते हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं या तनकीद कर रहे हैं? नहीं, वैसे गाना तो अच्छा गाया उन्होंने, इससे ज़्यादा बेहतर करके दिखाएंगी वो, और मज़ीद अच्छे अच्छे गाने भी गाएंगी। हम तो उसको कोई नहीं इस तरह कहेंगे गलत है, मगर मेरे लिए नज़र में ठीक है वो। शुएब अख्तर क्रिकेटर जो है उन्होंने तनकीद की है कि इसे नहीं गाना चाहिए था, ये प्लेटफॉर्म नसीबो लाल का नहीं है। नहीं, उसको तनकीद नहीं करनी चाहिए। शुएब अख्तर पाकिस्तानी, वो भी खिलाड़ी है, जिस तरह हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खिलाड़ी है, क्रिकेटर है, वो भी क्रिकेटर है। क्या नाम है आपका? इब्राहिम। इब्राहिम, इब्राहिम मुझे ये बताएंगे PSL 6 सॉन्ग जो रिलीज़ हुआ है, जिसे नसीबो लाल ने गाया है, आप इसे अप्रिशिएट करते हैं या तनकीद का निशाना बनाते हैं? वो सही, ज़बरदस्त सॉन्ग बनाया, अच्छे सॉन्ग, अच्छा गाना, बहुत अच्छा गाना गाया उसने। मतलब कुछ लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। नहीं नहीं, बड़ा अच्छा गाना बनाया उसने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जाहिदा। जाहिदा, भी नसीबो लाल ने जो PSL की तरफ से गाना गाया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोगों ने उस पर तनकीद की है, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट की है, तो आप किस नज़र से देखते हैं? देखें जी, नसीबो लाल एक स्टार है पाकिस्तान का, ठीक है, लेकिन जो PSL में उन्होंने सॉन्ग बोला है, मैंने सुना है, ठीक है, तो मुझे वो पसंद नहीं आया। इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वैसे जो आपकी नज़र में अप्रिशिएटिंग है या तनकीद है? अप्रिशिएटिंग। अप्रिशिएटिंग,
जो वो गुलुकारा अच्छी है नसीबोला अच्छी है गुलुकार तो अगर इन फ्यूचर उन्हें जो कौमी तराना गाने का मौका मिला जाए तो आप उन्हें देखना चाहेंगे? और सिंगर जो होते हैं उन पे काम लिया जाता है, आप कुछ भी उनको कहोगे तो वो गा देंगे, उनका इसमें कोई कसूर नहीं। क्या शेयर करना चाहेंगे? हम आपको राहत अली का एक उस्ताद का एक गाना सुनाते हैं। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। चलो रसमल ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते तालुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। उनकी आवाज सैड सॉन्ग तो नहीं है, वो पूरा धड़ल्लेदार जो है सॉन्ग है। नहीं, वो लोग समझ जाए कि जिस तरह के वो सैड सॉन्ग गाती हैं, पर वो माशाल्लाह अच्छा, उन्होंने सॉन्ग बहुत अच्छा गाया, मजा आया सॉन्ग सुनने में। जो कह रहे थे कि उन्हें करने दे, बाकी मजा आया सॉन्ग सुनने में। शुएब अख्तर क्रिकेटर जो है, उन्होंने तनकीद की है, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग तनकीद कर रहे हैं इस बात पर? गलत कह रहे हैं, तनकीद नहीं करनी चाहिए। हम भी क्रिकेटर हैं, हम भी एक शुएब अख्तर को मानते हैं, पर वो इस चीज़ को नहीं समझते। जो एक्टर्स हैं, जो सिंगर्स हैं, वो चीज़ को समझते हैं कि गाना अच्छा गाया गया। तो नसीबोलाल का कहना है कि अगर इन फ्यूचर उन्हें मौका मिले तो वो कौमी तराना भी गाएंगे। बिल्कुल अच्छा, अच्छी बात है, गाना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा अप्रिशिएट करती हैं, हर चीज़ को समझती हैं। वो साहब की वो सीनियर हैं सिंगर्स की, उन्हें चढ़ना चाहिए। अच्छी गुलाकार है वो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी। मुझे लोग तनकीद कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उन्हें यही मैसेज देना चाहेंगे कि ना करें, बेहतर यही है कि उन्होंने जो भी किया अपनी तरफ से अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। कि वो एक अच्छे सिंगर, नेशनल सिंगर नहीं वो मान रहे होंगे उन्हें। ये हर चीज़, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, तो हमारी नज़र में वो जिसकी आवाज़ अच्छी है, सिंगिंग में आवाज़ को हमें देखना चाहिए कि आवाज़ किस तरह की है। तो उनकी आवाज़ अच्छी है, ये तो ओवरऑल पूरी कंट्री मानती है। तो अगर वो समझते हैं कि ये एक पंजाबी सिंगर है और लोक सिंगर है, तो ये बात अच्छी नहीं है। वो आवाज़ के लिहाज से वो अच्छे हैं। वो समझ में आया उसने क्या बोला? वो दो तीन जितने ने लगे गाया, बहुत अच्छा गाया। हाँ, साथ में आईमा बेग भी थी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा गाया। आपको लगता है कि उसका कंटेंट जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड था? वो नहीं था, लेकिन वैसे उसने गाना अच्छा। क्या चीज अच्छी लगी आपको? उसकी आवाज बड़ी अच्छी लगी है बस। और जो लोग तनकीद कर रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस जी, उनका तो मैंने तो बताया, काम या जो सियासत पे भी तनकीद करना और गुलकारों पे भी तनकीद करना, बस। नसीबोलाल कह रही है कि अगर उसे मौका मिले तो वो कौमी तराना भी गाएगी पाकिस्तान के लिए। कौमी तराना भी हम गाएगा इंशाल्लाह, अगर उसको मौका मिलेगा। जबरदस्त गाना बनाया। तो आप चाहते हैं कि वो गाना गाए कौमी तराना? हाँ, वो हम चाहते हैं वो कौमी तराना बनाए। जो लोग तनकीद कर रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसको ये मैसेज देना चाहिए कि ये सही गाना बनाए, तुम ऐसी तनकीद ना करो, अच्छा है। कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत पसंद आना, वो भी नहीं पसंद आया बिल्कुल, क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं हो रहा, वो PSL पे डिपेंड नहीं हो रहा। और दूसरा ये है कि उसमें समझ भी नहीं आ रही कि क्या अल्फाज क्या कहे जा रहे हैं। 80% जो लोग हैं ना, उसको इन अल्फाज की समझ नहीं है कि ये क्या अल्फाज हैं, इसका तर्जमा क्या है। क्रिकेट के हवाले से हो, जो समझ में भी आए उसमें म्यूज़िक वो हो ना, ये म्यूज़िक है और ना ये वो अल्फाज हैं जो क्रिकेट के लिए होते हैं। ठीक है, नसीबोलाल ने ये बोला है कि क्या नाम है, उन्हें कंटेंट ही ऐसा दिया गया, उन्हें प्रैक्टिस ही ऐसी करवाई गई कि आपने यही चीज़ बोलनी है, जो चीज़ उन्हें प्रोवाइड की गई उन्होंने वही बोला है। जो इसका प्रोड्यूसर है, जिसने ये लिखा है, जो राइटर है, मैं उसे भी ये कहूँगा कि उसने भी ठीक लिखा नहीं है। और दूसरा जो म्यूज़िक दिया है मुझे, यानी कि वो पसंद नहीं आया। तो राहत फ़तेह अली खान या आतफ असलम वो सबसे बेस्ट हैं। ठीक है, कि अगर PSL में इतना ज़्यादा पैसा कमाते हैं, हमारा PCB कमाता है, ठीक है, तो उनको चाहिए था कि कोई बड़ा सिंगर जो है जिनका एक नाम है पूरे वर्ल्ड में, उनसे ज़्यादा बेस्ट था मेरी नज़र में। तो वहीं पे दूसरी तरफ जो है उसको मैं भी शायद ने अप्रिशिएट किया कि न्यू टैलेंट को लेके आना चाहिए। वो एक्टर हैं,
उन्होंने तो अप्रिशिएट करना है और हम भी अप्रिशिएट करते हैं, उनकी वॉइस अच्छी है, नो इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनकी जो उसके साथ मैचिंग है वो नहीं है। आपको लग रहा है जो उसका कंटेंट है वो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है? नो, नथिंग। उसकी जगह किसको गाना चाहिए था? उसकी जगह मैं तो कहता हूँ जवाब साहब को गवाल है। ठीक है, उसको ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, उसको सबको बकायदे से मजीद उसको खुश होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये भी नसीबो लाल का गाना चल रहा है और मजीद अच्छे अच्छे गाने आएंगे, हम तो खुश हो रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के बेहतर से बेहतर काम हो। बस ये मैं जो लोग तनकीद कर रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं कहूँगा कि ये ना किया जाए, इनका इस तरह की बात ना की जाए, बेहतर है कि अपना अपना इंजॉय करें सब लोग, जिस तरह दुनिया करती है उस तरह आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करेंगे नसीबो लाल के, हम भी गाने सुनते हैं घर में और सुनते हैं सब, सारी दुनिया सुनती है। तो वो पाकिस्तानी है, कोई इंडिया से तो आई नहीं है, या कोई पाकिस्तान की अगर वो क्रिकेट टीम की अगर वो तराना गा रही है तो उसका हक है, क्यों? वो पाकिस्तानी है। तो ये तो जो लोग कहते हैं ना कि इसको नहीं गाना चाहिए, इसको यार ये जो मुल्क पाकिस्तान है ये हर आदमी की एक विरासत है, उसकी एक पहचान है। अगर मैं कहूँ कि मैं ही पाकिस्तान का मालिक हूँ और बाकी लोग जो वो नहीं है, तो जितना मेरा हक है उतना आपका भी हक है, उतना सारे लोगों का हक है। आपकी नज़र में हर नए गुलकार को जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, जो अच्छा मौका मिले तो मैं समझता हूँ कि उसको अपना एक अप्रिशिएट करना चाहिए, उसका हौसला बुलंद करना चाहिए और उसको मौका देना चाहिए। वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, मैं उसको बिल्कुल दिल से मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। अगर इन फ्यूचर जो नसीबो लाल कौमी तराना गाती हैं तो आप उन्हें सुनना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल सुनना चाहूंगा, कोई भी गाएगा मैं उसको, वो मेरे मुल्क से मोहब्बत करता है और जो मेरे मुल्क से मोहब्बत करता है मैं उससे दिल जान से मोहब्बत करूँगा, क्यों? वो मुल्क के लिए जी रहा है। ये जो लोग जीते हैं ना अपनी इनकम के लिए, वो मोहब्बत वतन ही होते हैं, मोहब्बत वतन वही होता है जो मुल्क के लिए जी। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, हमने जाने आवाम की राय कि नसीबो लाल ने PSL के प्लेटफॉर्म पे जो सॉन्ग गाया वो उनको किस नज़र से देखते हैं, लोग ज़्यादातर इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि न्यू गुलकारों को भी मौका देना चाहिए कि वो नए प्लेटफॉर्म पे गाएं, पर वहीं पे एक आधे लोग जो है वो तनकीद भी कर रहे हैं। अगर इन फ्यूचर नसीबो लाल को कौमी तराना गाने का मौका मिलता है तो हमारी आवाम उन्हें कौमी तराना गाते हुए भी देखना चाह रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपकी होस्ट फरा इकबाल लाहौर 42 TV से, अल्हा निगेबान। Oh,